नमस्ते भारत, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे चेक्स वर्ल्ड। तो आज हम सीखेंगे दाल के साथ मालपुआ बनाना। बहुत आसान है बनाना और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमकीन मालपुआ बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले 3 टेबलस्पून चना दाल लेना है, 3 टेबलस्पून यहाँ पे हम मूंग दाल लेंगे, 3 टेबलस्पून यहाँ पे हम उड़द दाल लेंगे और 3 टेबलस्पून यहाँ पे हम चावल लेंगे। चावल में आप यहाँ पे किसी भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लेना है। बाउल के अंदर हम चावल और दाल निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने चावल और दाल 3 लोगों के हिसाब से लिया है। आप अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। चावल और दाल हमने बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब हम बाउल के अंदर 1 ग्लास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अब हम बाउल को प्लेट के साथ ढक देंगे और रात भर हम दाल और चावल को भिगो करके रखेंगे। आप चाहे तो 7 से 8 घंटे चावल और दाल को भिगो करके रख सकते हैं। अगले दिन आप देखेंगे हमारा चावल और दाल अच्छे से सोख हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे चावल और दाल को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेना है और एक पतीले के अंदर निकाल लेना है। हमने यहाँ पे चावल और दाल को अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है और एक पतीले के अंदर निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लेना है। तो सब्जियों में हम सबसे पहले लेंगे 2 लहसुन, थोड़ा सा अदरक लेंगे और 4 यहाँ पे हम हरी मिर्च लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लेना है। ग्राइंडिंग जार के अंदर हमने जो चावल और दाल भिगो के रखे थे वो हम ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल देंगे। उसके बाद ग्राइंडिंग जार के अंदर हम 2 लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 4 हरी मिर्च जो हमने निकाले थे वो हम सभी ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम इन सभी को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद दोबारा से ग्राइंड करेंगे। उसके बाद दोबारा से हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद दोबारा से ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे अब हमने दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। उसी पतीले के अंदर अब हम बैटर को निकाल लेंगे। हमें बैटर को ना ही पतला बनाना है और ना ही मोटा बनाना है। अगर आपका बैटर बहुत ज्यादा पतला बन जाता है तो आप इसके अंदर चावल का आटा डाल करके इसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक में कट कर लेंगे और धनिया पत्ता को हम बैटर के अंदर डाल देंगे। अब हम बैटर के अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे और आप चाहे तो इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम बैटर को कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। 2 घंटे के बाद अब हम यहाँ पे कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल निकाल लेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तब हम थोड़ा सा बैटर इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। नीचे से अब हमारा मालपुआ अच्छे से पक चुका है। अब हम ऊपर से मालपुआ को पकाएंगे। मालपुआ को हम यहाँ पे लाल होने तक ही पकाएंगे। अगर आपको और क्रिस्पी चाहिए मालपुआ तो आप उसको थोड़ी देर और पका सकते हैं। नमकीन मालपुआ यहाँ पे हमारा बन करके तैयार हो चुका है। आप नमकीन मालपुआ को मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको मूंगफली की चटनी की रेसिपी जानना है तो मैंने इस वीडियो के ऊपर आई बटन में लिंक डाल दिया, आप जाकर के देख सकते हैं। आपको नमकीन मालपुआ की रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हर दिन नए नए वीडियो लेकर के आती हूँ तो चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।